बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम आपको एक्सरसाइज 5.7 मीन रिमाइंडर थ्योरम, ये करवाने जा रहे हैं। ये पेपर में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है, इसको आपको स्टडी करें, इसके मेथड को समझने की कोशिश करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2। सबसे पहला इसका मेथड ये होता है कि हमने वो फैक्टर लाना है जिसमें इसके अंदर वैल्यू पुट करें वो 0 आ जाए। और हम क्या करेंगे, सपोज हम कहते हैं दिस इज़ एफ एक्स, फंक्शन हमने बना दिया, तो एक्स की जगह पर पहले प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3 चलता जाएगा, इसमें रखते रहेंगे। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहेंगे कि जी हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिया। हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू प्लस 1, इसमें तो एफ ऑफ 1 1 क्यूब प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2, 1 क्यूब प्लस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 इज 0, तो ये एफ ऑफ 1 पे ही 0 हो गया। तो लिखेंगे सो फर्स्ट रूट इज एक्स इज इक्वल टू 1 या एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 हमारा फर्स्ट रूट आ गया, ठीक है। अब सबसे बेहतरीन इसके बाद सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप ये है कि इससे हम इस पूरी को डिवाइड करेंगे, डिवाइड एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, इसको एक्स माइनस 1 से करेंगे, पूरे का पूरा डिवाइड हो जाता है। एक एक्स है, यहाँ पे 3 है कि एक्स स्क्वायर की कमी है, एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया। ये प्लस है तो ये माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ से एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया माइनस 2। अब इसको फिनिश करना है, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ 2 है, प्लस 2, तो इसको प्लस 2 से मल्टी 2, 1 ज़ा 2, 2 तो हो गया। एक एक्स है, यहाँ पे 2 हैं तो एक एक्स से हो गया। अब हम प्लस 2x से इसको करेंगे तो 2, 1 ज़ा 2, एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, फिर माइनस 2x यहाँ पर आएगा आगे जाएगा। तो अब यहाँ पर देखें, प्लस है माइनस कर देंगे, माइनस है प्लस करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये माइनस 2 प्लस 2x। अब हम एक्स वाले को ख़त्म करेंगे तो इसको 2 से, ये प्लस है हो गया, और 2 वन ज़ा 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2x प्लस का और माइनस 2, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 हो गए। अब आपके पास देखें ये जो वैल्यू आई है इसका फैक्टर अगर निकलता होगा तो निकालेंगे, नहीं तो ये हमारे पास दूसरा रूट आ गया, 2 वन ज़ा 2। देखते हैं 2 वन ज़ा 2, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1x 2 हो गया प्लस 2, यानी कि 2 वन ज़ा 2, इसको 1 प्लस 1 कर दिया हमने तो ये 2 हो गया। ये नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि अगर इसको 1 प्लस 1 करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बेसिकल 2 और 1 को यूज़ करना है, तो इसलिए अब मज़ीद इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, सिर्फ यही बनेगा। पहला रूट हमारे पास ये था एक्स माइनस 1, और दूसरा क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये हमारे पास इसके फैक्टर आ गए हैं, जो हमारे पास इस बात की सबूत है कि मीन रिमाइंडर थ्योरम से हमने जिसकी पावर 3 थी तो 3 रूट हमने निकाल के दे दिए, 2 रूट ये हैं और एक रूट ये, जितनी ये पावर मेन होती है इतने ही रूट बनते हैं, 3 थे तो 3। अब यहाँ देखें 2 रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो गया, 3 हो गया, इसका मतलब 3 रूट के इसके हमारे पास क्वेश्चन आया, इसका सोल्यूशन। उम्मीद है कि मीन रिमाइंडर थ्योरम का पूरा फार्मूला समझ में आ गया होगा। पहले इक्वेशन को एफ एक्स कर लेते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यूज रखना शुरू करते हैं, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, वो वैल्यूज जब जिस पे 0 हो जाए लगातार करते रहेंगे। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे ही 0 हो गया था, तो x इज इक्वल टू 1 फर्स्ट रूट, दैट मीन इधर आएगा तो x माइनस 1। अब इस x माइनस 1 जो है इससे हम इस पूरी को डिवाइड करेंगे,
डिवाइड करने के बाद ये पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ये जिससे फिर ये इससे हम फैक्टर बनाएंगे। अगर ये फैक्टर बन सकते हुए तो ठीक है, नहीं है तो हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।